मैं अमित पुनिया हूँ, लोकसभा गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर हूँ एआईसीसी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी का। और आज की जो हमने मीटिंग रखी थी वो हमारा जो संगठन है उस संगठन के पूरे संगठन की नीचे के स्तर पे जो हमारा गठन होना है संगठन का उसके संदर्भ में हमने आज चर्चा रखी थी, संवाद रखा था जिसमें सभी हमारे संगठन के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे सबकी। मेरा नाम दीपक भारद्वाज है, गुड़गांव जिले की 4 विधानसभाओं में मुझे AICC द्वारा नियुक्ति की गई है मेरी। आज AICC से हमारे ऑब्जर्वर आए थे अमित पुनिया जी और दीपक भारद्वाज जी। तो आज एक संगठन को विस्तार के लेकर एक यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर सब ने भाग लिया और संगठन के बारे में विस्तृत रूप से आज यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि आगे जो संगठन का विस्तार होना है तो उसी के लिए आज ये मीटिंग थी। मेरा नाम रविराज उज्जीनवाल है और आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय गुड़गांव कमान सराय में हमारे पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर आए हुए हैं। अध्यक्ष का अभी कहाँ तक बात पहुँची है, जो अध्यक्ष चुनने की बात? अध्यक्ष की बात हो रही है। ये हमारे जो जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया जो मेरिट बेस पे संगठन में चालू हुई थी AICC की तरफ से वो भी अंतिम चरण में है, और उसके अलावा उसके बाद के अंदर जो हमारे मंडलम बनने हैं, सेक्टर बनने हैं या ब्लॉक लेवल पे जो संगठन की दुरुस्तीकरण की और उनकी पुनर्गठन की बात है उसके उसका काम भी चालू हो चुका है। नहीं, अंतिम चरण तो इसका विलंब क्यों, आखिर क्या कारण है, गुटबाजी जिम्मेदार है क्या, इसके बारे में बताया? नहीं, देखो अभी कोई कारण नहीं है। हमारा जो कांग्रेस पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक मूल्य की एक खूबी ये होती है कि आप उसके अंदर सब वर्गों के सब प्रतिनिधित्व सबका रहना चाहिए, किसी भी जाति का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, और सभी नेताओं की बात उसमें रखी जानी चाहिए और सुनी जानी चाहिए। तो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण ये समय लगता है। बात समझ गया, लेकिन अभी जो मीटिंग चल रही थी उसमें हम भी थे, उसमें कोई गुड्डा गुड बता रहा है, कोई सलजा गुड बता रहा है, वो कुछ बता रहा है, तो ये गुटबाजी से कहाँ तक उबर पाए? नहीं नहीं, ये कोई गुट नहीं है, सबने आप यहाँ थे तो आप सुनिए, वो जिन जिन का भी नाम लिया है वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के व्यक्ति हैं, उनका नाम लेना और कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद थे तो आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा। अगर 2 घंटे 2.5 घंटे मीटिंग चली है तो उस 2 घंटे के अंदर 2.25 घंटे या अधिकतर समय, मैक्सिमम 90% समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संगठन के दुरुस्तीकरण की ही बात चली है। एकजुटता का परिचय तो देखिए आपको दिख ही रहा है इस कार्यालय में, आज आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में सभी नेता, सभी वर्ग के, सभी डिपार्टमेंट्स के लोग आए हैं, तो एकजुटता तो बिल्कुल हो गई है। तभी हरियाणा में कांग्रेस की आप देख रहे हैं माहौल भी बन रहा है और पार्टी सत्ता में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं ये तो आप मीडिया के लोग भी आप हमें दिखा रहे हैं, चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है हरियाणा में, तो बिल्कुल ये तो पॉजिटिव है। आज AICC से हमारे ऑब्जर्वर आए थे अमित पुनिया जी और दीपक भारद्वाज जी। तो आज एक संगठन को विस्तार के लेकर एक यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर सब ने भाग लिया और संगठन के बारे में विस्तृत रूप से आज यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि आगे जो संगठन का विस्तार होना है तो उसी के लिए आज ये मीटिंग थी। अध्यक्ष की जो प्रक्रिया चल रही थी वो कहाँ तक अभी? देखिए अध्यक्ष की जो प्रक्रिया चल रही थी वो अलग है और ये जो आज है ये अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये मंडलम बना रहे हैं या जो सेक्टर के हिसाब से अध्यक्ष बन रहे, ये अलग प्रक्रिया है जो हमारे प्रभारी जी ने जो इनकी ड्यूटी लगाई है अमित पुनिया जी की, जो ऑब्जर्वर है, इन्होंने विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी है इसके बारे में। फिर भी आपको क्या लग रहा है कितने दिन के अंदर अध्यक्ष पद की घोषणा हो सकती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी, काफ़ी जल्द, क्योंकि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और लगभग मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। अभी कांग्रेस का यहाँ पर कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। आज कांग्रेस की एक लहर पूरे देश में, प्रदेश में जिस तरीके से चल रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में हरियाणा में भी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
देखिए पब्लिक पूरे तरीके से आज त्रस्त है खट्टर सरकार से कहो चाहे आप बीजेपी सरकार से कहो, इनकी नीतियाँ जो है बिल्कुल जन विरोधी नीतियाँ हैं। आज आप कोई सा भी वर्ग देखे, कर्मचारी, किसान, महिलाएं, सभी आज इससे त्रस्त है और बदलाव चाहते हैं। टकटकी लगाकर आज लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला समय कांग्रेस का। आपको बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री लोग बताते हैं, क्या कहते? देखिए उस सोने का क्या करेंगे जो कानों को काटे, ऐसा मुख्यमंत्री हमें क्या करना है? हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो देश का, और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की बात करें आप हरियाणा की, तो हमें ऐसा यहाँ पर एक मुख्यमंत्री चाहिए जिस तरीके से हुड्डा साहब एक 36 बिरादरी को साथ लेके चहुमुखी विकास की गंगा बहाया करते थे, हमें यहाँ पर उस तरीके के मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जिनको पता ही नहीं है कि हमारे प्रदेश में आज हो क्या रहा है। हड़तालों में आज नंबर वन अगर कोई है तो हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर वन है। बेरोजगारी में देखो आप, भ्रष्टाचार में लिप्त है आज ये सरकार पूरे तरीके से। आप भ्रष्टाचार की बात करें, कोई सा भी ऐसा सरकारी महकमा आप बताइए जिसमें बिना रिश्वत के काम होता हो, तो सरकार पूरे तरीके से फ्लॉप है। चाहे बिजली विभाग हो, सबसे ज़्यादा करप्शन है आज, आज हर जगह बुरा हाल है। लोग त्रस्त हो चुके हैं, इस सरकार का बदलना 100% तय है। आने वाले दिनों में जल्दी ही पार्टी में जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी और निचले स्तर पर भी संगठन का निर्माण होगा।